जिसने हमको तड़पाया है हम उसको कैसे तड़पाएं, जिसने हमें खून के आंसू रुलाया है उसको हम दोबारा से कैसे जला दें, जला भुना के भुट्टा सा बना दें, इतना जला दें हम उसको काला पड़ जाए वो। अगर आप चाहते हैं किसी को इतना जलाना, किसी को इतना तड़पाना, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, क्योंकि जिसने आपको तड़पाया है आज हम उसको तड़पाने वाले हैं। कैसे, उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर करनी है जो शायद हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, जो आप आमतौर पर ना करते हो, क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है उसको भाव देना, उसको चाहना, उसको बेइंतहा प्यार करना, बेशर्त प्यार करना, नो कंडीशनल लव आपने सुना होगा, तो वो आप अभी तक करते आ रहे हैं और उसका नतीजा क्या हुआ वो आपने देख ही लिया है। तो आप मेरी भी मानकर देख लीजिए, थोड़ा मुश्किल होगा आपको करने के लिए, बट करेंगे तो मज़ा उसको ज़रूर आएगा, क्योंकि उसको मज़ा चखाना है हमें, है ना। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको करनी है और करनी ही पड़ेगी वो है कट ऑल दी कॉन्टैक्ट्स। जी हाँ, आपको सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म करने पड़ेंगे। चाहे आप उससे कॉल पे बात करते थे, अब आपका कोई भी कॉल उसके पास नहीं जाएगा। चाहे आप चैट्स पे बात करते थे, आपका एक सिंगल मैसेज सुबह से लेकर शाम तक नहीं जाएगा, रात में भी नहीं जाएगा, ना गुड मॉर्निंग, ना गुड आफ्टरनून, ना कैसे हो, क्या हो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, होली वोली, कुछ भी नहीं जाएगा। सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दो। तुम जहाँ भी उससे मिलते थे, जहाँ भी उसको देखते थे, जहाँ भी तुम एक दूसरे की आंखों के टकराना होता था, सब कुछ आपको बंद करना है। यहाँ तक कि वो इंसान इस अर्थ पे रहता भी है नहीं, ये भी आपको भूलना पड़ेगा जी। वो कौन है, क्या है, कैसा है, क्यों है, सब आपको भूलना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल। अब आप पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्यों करना है, तो मेरे को आपको समझाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझा चुका हूं कि आप अभी तक भाव देते आ रहे थे। जब हमें कोई भाव देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, तो होता क्या है कि हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते, क्योंकि हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो भाव देता ही है, ये तो मेरे पीछे पड़ा ही है, कोई और ढूंढता हूं, कोई और ढूंढती हूं, छोड़ो ना, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो क्योंकि आप भाव दे रहे थे, तो इससे एक खराब बात यह हुई कि उसको उसके भाव ज्यादा ही चढ़ गए, और अच्छी बात यह हुई कि उसको आदत लग चुकी है आपके भाव की। अब इसको आप अपने फेवर में कैसे ले सकते हो कि अगर कोई बंदा मुझे 7 दिन से नोटिस कर रहा है और 8वें दिन नोटिस ना करे तो खलबली तो मचेगी ना कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे नोटिस नहीं कर रहा है। तो यही चीज आपको करनी है। आप अभी तक उसको कॉल करते थे, चाहे मैसेज करते थे, चाहे देखते थे, चाहे स्माइल पास करते थे, चाहे उसके बारे में बात करते थे, चाहे उसको आप वैल्यू देते थे, चाहे उसको आप कुछ भी करते थे, नोटिस को करवाते थे, अब अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो उसको खलबली तो मचेगी ना कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्या हो गया कि ऐसा कर रहा है। तो ये तो हमारा स्टेप नंबर 1 था कि जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो आप सब आपको तोड़ने पड़ेंगे, आपको भुलाना पड़ेगा कि वो इंसान अभी तक यहां है भी। ये स्टेप नंबर 1 ही मेन पॉइंट है। अगर आपने ये कर दिखाया तो आप बिल्कुल जंग जीत जाएंगे, लेकिन यही करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वो इंसान जो उसको एक मैसेज करके ये सोचता रहता है कि रिप्लाई कब आएगा, वो भला ऐसा हो सकता है कि उसको मैसेज ही ना करे? जी नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन यही चीज आपको करनी है। अब स्टेप नंबर 1 से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, जबकि करना इतना मुश्किल था, उसको क्या लेना देना। अगर कोई मुझे याद नहीं कर रहा है, मुझे नहीं देख रहा है, तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि वो इंसान मेरे लिए तड़प रहा होगा, पागल हो रहा होगा, जो कि अभी तक होता आ रहा था। तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि ये आपके फेवर में जाए ये चीज, क्योंकि वो इंसान ये सोचेगा कि आप अब उसके लिए इतना पागल हो चुके हो कि अब आप घर में बैठ चुके हो, रो रहे हो, गा रहे हो, अब आप बिल्कुल पागल हो चुके हो उसके बिना। आपको ये दिखाना है कि नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूं, मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूं। ये कैसे करना है, ये करना है स्टेप नंबर 2 से। और स्टेप नंबर 2 है गिव अ शॉक। शौक कैसे देना है कि अगर उसको ये लग रहा है ना कि तुम उसके बिना तड़प रहे हो, उसके बिना रो रहे हो, नहीं, अब आपको शौक देना है कि तेरे बिना भी मैं खुश हूँ, तेरे बिना भी मैं हैप्पी हूँ, और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि अब तू मुझे नोटिस करती है, करता है, नहीं, ठीक है। तो आपको शौक देना है, आपको अपनी लाइफ को पहले जैसा नहीं, पहले से और अच्छा जीना है, लाइफ को एकदम स्पेंड करना है, फुल मस्ती करनी है। अब देखो, इसमें थोड़ी बहुत आपको एक्टिंग भी करनी पड़ सकती है ना, क्योंकि इतना मुश्किल होता थोड़ी है। हम जिसको चाहते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, जो भी हमारा रिश्ता रहा था, जिसकी हमें आदत लग चुकी थी, अगर हम उससे रोज़ बातें करते थे, अचानक से हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो तड़प तो आपको भी फील होगी ना, लेकिन करना पड़ता है ना। मेडिसिन कड़वी होती है, लेकिन इलाज के लिए तो करना ही पड़ता है ना। तो थोड़ा बहुत तड़पना पड़ेगा, लेकिन आपको दिखाना ऐसा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आपको खुश रहना है, अपनी लाइफ को और अच्छी तरीके से जीना है। आपको इवन कि जो आपका ड्रेस सेंस है उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। अच्छे कपड़े पहनिए, नए नए कपड़े ले लीजिए, हेयर स्टाइल चेंज कर लीजिए। कहने का मतलब ये कि आपको ये अपने आप को भी फील करवाना है कि ठीक है, मुझे और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जीना है, और खुश रहना है, नई नई चीज़ें ट्राई करिए, जो हो सकता है वो करिए। यानी कि आपको कहीं खुद भी ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जिससे आप उसको बुलाने में अपने आप को थोड़ा बेनिफिट दे सकें, अपने आप को योगदान देना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर खाली बैठे रहेंगे और किसी को बुलाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो अपने आप को बिजी
कॉपी कर लीजिए और उसको शौक दीजिए, तेरे से ना बात करके मैं तड़प नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं इतना ज़्यादा खुश हो चुका हूँ लाइफ में कि तेरे से बात करना ना करना मुझे याद ही नहीं है। तो आपको इस हद तक उसको फील करवाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, वर्क इन योर सेल्फ। देखो, हम अपने लाइफ में जैसा भी किसी के पीछे पड़ते हैं या किसी के प्यार में पड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, हम अपने ऊपर अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि वो इंसान ही मेरे लिए सब कुछ है। अब क्योंकि वो इंसान अब आपको भाव नहीं दे रहा तो आपको गुस्सा तो आएगा ही, अब आपको फील जेलस फील तो हो गई है ना, तो आपको क्या करना है, अब अपने आप पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना है। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे नहीं पता, बस आपको पहले से बेहतर बनना है, आपको चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं ना, तो अब आपको और मेहनत करनी पड़ेगी जॉब में, क्योंकि जो आप टाइम पहले उसको देते थे अब उसको तो टाइम दे नहीं रहे हैं, उस टाइम को कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करना पड़ेगा ना। तो जो भी आप काम करते हो उसमें थोड़ा ज़्यादा और मेहनत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई में थोड़ी और मेहनत करो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में फोकस करो, यानी कि आपको फोकस अपने काम पर डालना पड़ेगा। और हो सकता है तो आप नई नई चीज़ें और सीखिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप जो करते हैं उसको तो और अच्छी तरीके से कर ही रहे हैं, बल्कि और नई नई टेक्नोलॉजीज भी सीख ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आप पढ़ाई करते थे तो और एक्स्ट्रा एक दो घंटे और पढ़िए, या आप जो भी काम करते थे, मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, बट जो भी करते हो काम पे फोकस करना है और नई नई चीज़ों को सीखना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका जो लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है, उसको दिख जाएगा कि आपकी औकात बढ़ चुकी है, और दूसरा ये कि आपके अंदर खुद भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है ना, मुझे इतना नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि मैं अब अपनी लाइफ में ग्रो हो रहा हूँ। तुम्हें पता है लाइफ में दो चीज़ें एकदम साथ साथ चलना ज़रूरी है, एक तो प्यार का और एक तो आपकी ताकत का, स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ और लव होना ज़रूरी है। ताकत के बिना प्यार करोगे तो ऐसे ही तन्हा रह जाओगे, ऐसे ही तड़पते रह जाओगे। ताकत के साथ प्यार करोगे तो एक तो प्यार भी बहुत मिलेगा और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर आपका प्यार नहीं मिल रहा है तो। आपके पास ताकत नहीं है, आप उसके पीछे इसलिए हो क्योंकि आप उसको पा नहीं सकते हो। पाने की अगर आपके अंदर हिम्मत होती तो अभी तक पा चुके होते, और अगर वो इंसान नहीं मिलता तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे अच्छे अच्छे इंसान आपके पास पहले से ही होते हैं। तो आपके पास है ही नहीं ना, ताकत है ही नहीं। आपको बुरा लग रहा होगा बट आपके पास ताकत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को मजबूर इसीलिए बना रहे हो क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है। उस स्ट्रेंथ को लाने के लिए आपको अपने आप पर मेहनत करनी पड़ेगी, नई नई चीज़ें सीखिए, अपने आप को थोड़ा ग्रूम करिए, अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आइए, अपने आप को ये दिखाइए कि यार इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ जितना उसने मुझे समझ रखा है, क्योंकि उसने आपको ज़्यादा नहीं तड़पाया, आपने खुद को अपने आप को इतना तड़पा रखा है कि उससे तड़पाने ना तड़पाने से उसको फर्क नहीं पड़ता। भाई तुमने खुद को तड़पाया, खुद को मजबूर बनाया, खुद को बेचारा बनाया। तो जरूरत है थोड़ा इवॉल्व करने की, जरूरत है थोड़ा और मेहनत करने की और जिंदगी में आगे बढ़ने की। और स्टेप नंबर 4 है कि आपको नए नए कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ नए नए कॉन्टैक्ट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड्स बनाने हैं, फ्रेंड्स से थोड़ा सा ज़्यादा बनाने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जेलस भी फील करवाना है। तो अगर आप लड़की थे तो लड़कों से थोड़ी नई दोस्ती कर लीजिए, अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों से थोड़ी नई दोस्ती कर लीजिए, तो थोड़ा सा ना उनसे थोड़ा क्लोज आइए, नए नए लोगों को जानिए, नई नई लड़कियाँ हैं, नए नए लड़के हैं, उसको जानिए, पहचानिए कैसे हैं क्या हैं। मैं ये नहीं कर रहा आप प्यार ही कर लीजिए, लेकिन ठीक है फ्रेंड्स से थोड़ा ज़्यादा जो कुछ होता है वो टेंशन को लेकर आइए ना, क्योंकि वो इंसान जब देखेगा, और वो देखेगा ज़रूर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान नोटिस ना करे, वो करेगा, लेकिन वो ऐसा दिखाएगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंसान नोटिस करेगा, और जब वो नोटिस करेगा तो उसको खलबली मचेगी। तो जो आप रिजल्ट स्टेप नंबर 1 में जब आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तब नहीं होगी, वो स्टेप नंबर 4 में होगी, जब आप नए नए कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे तो उसको जलन फील होगी। तो आपको नए नए कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, नए नए लोगों से बात करना है, और जब वो इंसान इस चीज़ को देखेगा ना तो बिल्कुल पागल हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है तो नई नई जगह पर जाइए, जब आप ये नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे, अपने आप को थोड़ा और इवॉल्व करेंगे ना, तो अपने आप नए नए लोग आपसे मिलेंगे और देखेंगे आपकी कि आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। और स्टेप नंबर 5 एक चीज़ है, वेट एंड वॉच। चीज़ों को वर्कआउट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि तुमने स्टेप नंबर 4 फटाफट फॉलो कर दी और तुम्हें लग रहा है कि बस अब वो तो तन्हा हो गया, अब तो मेरे से आगे बिल्कुल सीने से चिपक जाएगा कि मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, उतना ही प्यार करती हूँ, जो भी है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा टाइम दो, है ना, चीज़ों को आपने जो किया है इस पर थोड़ा टाइम लो, अपने आप को थोड़ा और ठहराव दो, है ना। सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होता है, चीज़ों को थोड़ा वर्कआउट होने में टाइम लगता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, कई बार रिजल्ट जल्दी भी आ जाता है तो कई बार थोड़ा टाइम भी लगता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि आप कितनी अच्छे तरीके से इस चीज़ को कर ले रहे हैं, और ये डिपेंड इस चीज़ से भी करता है कि कितनी जल्दी वो इंसान तड़प जा रहा है। तड़पेगा ज़रूर, आज नहीं तो कल वो तड़पेगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना है और फिर उसके बाद नज़ारा देखना है, आपका काम हो चुका होगा, गारंटेड।
मैंने करके देखा है, ये ज़रूर काम करता है, बिलीव मी। अगर आपको बिलीव है मुझ पर और अपने आप पर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, सो दैट क्यों इंसान आज नहीं तो कल तड़प जाए। और वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, उस इंसान को मत करना नहीं तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बार नोटिफिकेशन आती है उसको प्लीज़ ऑन कर देना।